तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अप्रेंटिस क्या है, व्हाट इज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस क्या है, अप्रेंटिस करना हम लोग को ज़रूरी है या क्यों ज़रूरी है, या करना है या नहीं करना है, पूरा डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि व्हाट इज़ अप्रेंटिस, तो अप्रेंटिस हम लोग थ्योरिटिकली जो है किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो अप्रेंटिस इज ए ट्रेनिंग पीरियड कोर्स व्हिच इज जनरली ऑफर्ड फ्रॉम द कंपनी और गवर्नमेंट PSU। तो दोस्तों क्या है कि अप्रेंटिस जो है एक ट्रेनिंग पीरियड है, जो आपका नॉलेज गेन करने का पीरियड होता है, एक कोर्स होता है जो 6 महीना, 3 महीना का होता है, उसके बाद 6 महीना का होता है, 1 साल का होता है, या मैक्सिमम जो है आपका 2 साल का होता है। तो आप जो है अप्रेंटिस जो है हम एक ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग पीरियड है जो फ्रेशर इंजीनियर के लिए, जब वो स्किल सीखना चाहता है प्रैक्टिकली, तो उसके लिए जो है ये ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग कोर्स है। इतना तो आपको पता चल गया कि अप्रेंटिस जो है दोस्तों ट्रेनिंग पीरियड है या ट्रेनिंग कोर्स है, जिसके थ्रू आप प्रैक्टिकली नॉलेज गेन कर सकते हैं ताकि आपका एक्सपीरियंस जो हो जाए। अब देखते हैं कि क्यों करते हैं हम लोग, या फिर करना ज़रूरी है, ऑब्वियसली ज़रूरी है। जहाँ देखते हैं कि मान लेते हैं कि आप एक फ्रेश सिविल इंजीनियर है, या फिर एक फ्रेश मैकेनिकल है या इलेक्ट्रिकल है, कोई भी इंजीनियर है, मान लेते हैं कि आप पास आउट किए हैं जस्ट अभी अभी, आपको जो है गवर्नमेंट अगर जॉब लेना है तो आपको कंपटीशन करना होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 1000 सिविल इंजीनियर पास हुआ और गवर्नमेंट वैकेंसी मात्र 5, तो आपको क्या कोई कंपटीशन करना होगा। तो आपको पास करने के बाद 5 को मिला, बाकी तो नहीं मिलेगा। उसके बाद देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर, अब बचा प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर में आपको जब भी आप जाते हैं तो आपको बोलता है कि एक्सपीरियंस लाइए, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, यहाँ तक कि 15 साल का भी एक्सपीरियंस मांगता है। लेकिन आप तो फिलहाल अभी कुछ ही दिन पहले कंप्लीट किया, तो आपके पास तो 15 दिन का भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप क्या करेंगे। तो आपको मतलब जॉब तो लेना है, क्योंकि जॉब तो पास आउट होने के बाद सब कोई करना चाहता है, ताकि उसका जो अर्निंग या फिर कुछ अर्निंग सोर्स बने। तो इसके लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगते हैं, कंपनी जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगता है, यहाँ तक कि कहीं जो बहुत सारा गवर्नमेंट जॉब है वो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मानता है। तो क्या करते हैं, तब जब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगेगा तो आप तो फ्रेशर है, तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे आएगा, तो इसके लिए जो है कंपनी आपको ऑफर करता है अप्रेंटिस, जो ट्रेनिंग पीरियड है 3 महीना का, 6 महीना का, 1 साल का, 2 साल का। तो इससे क्या होता है कि अगर आप 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड ले अप्रेंटिस कर लिए, तो उसमें जो है आपको प्रैक्टिकली सब दिखाया जाएगा कि हम लोग जो है साइट में काम कैसे करते हैं, कहाँ पे लैब होता है, कहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे लेआउट बनता है, कैसे ड्राइंग बनता है, कैसे एस्टिमेशन बनता है, सिविल इंजीनियर के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे साइट विजिट होता है। तो इससे जो है आपको पूरा जो है प्रैक्टिकल नॉलेज अप्रेंटिस में मिल जाता है। तो इसके बाद क्या है, अब आपके पास जो है मान लेते हैं कि आप 1 साल का किए, 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो गया, कि आपके पास जो है 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया, अब जो है आप कंपनी के पास जाएंगे जॉब लेने के लिए, तो आपको जो पूछेगा कि 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस जो है मिनिमम जो है डिमांड करता है कोई भी कंपनी, आप जाइए तो फ्रेशर को नहीं लेना चाहता, इसलिए क्योंकि उसको पता है कि फ्रेशर जो है उसको सब चीज़ पता नहीं है, वो थ्योरेटिकली जानता है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं जानता है, तो उसको जो है जानने के लिए जो है कुछ दिन लगेगा, 1 महीना या 1 साल। तो कंपनी चाहता है कि हम जिस उससे मंगाएंगे जो पहले से एक्सपीरियंस हो, ताकि हमारे पास आकर सब तरह का प्रॉब्लम वो फेस करके प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सके, इसलिए सब कोई चाहता है। तो जब हम लोग अप्रेंटिस 1 साल कर लिए, तो एक्सपीरियंस हो गया, तो जब भी आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, तो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या एग्ज़ाम रिटन टेस्ट से भी अगर सेलेक्ट होता है, तो आप जो है वहाँ पर जाकर जाइएगा, तो सबसे पहले बोलेगा कि आपका एक्सपीरियंस दिखाइए। तो इसके पास अप्रेंटिस करने के बाद आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस रहेगा, तो आप दिखा दीजिएगा, तो उसके बाद जो है आपको जॉब जो है आसानी से मिल जाएगा। तो ये जो है हम लोग का टोटल कुल मिला के बात हुआ कि अप्रेंटिस जो है आपको करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको एक्सपीरियंस के तौर पर जो है आपको जॉब मिल सके, नहीं करते हैं तो आपको जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है फ्रेशर के लिए। ये जो है हम लोग का इंडिया का सिनेरियो है। तो इस तरीके से जो है आप अप्रेंटिस को समझ सकते हैं, या फिर आप जान सकते हैं कि हम लोग को क्यों ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से रिलेटेड
कोई भी अगर आपको इशू है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी इशू है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।